भारत देश के और खासकर छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में पास्टरों की नियुक्ति की गई है। बस बात है क्योंकि धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता जा रहा है। तो मैं सीधा एक ही लाइन पे एक शब्द में बोलूंगा कि जो हिंदू विरोधी तत्व है वही इसको धर्मांतरण करवाते हैं। बोलते हैं कि हम मरे को जिंदा कर लेते हैं, तो मैं बोलता हूँ मरे को जिंदा करके दिखा दो, हम जितने यहाँ पे आए हम बिल्कुल धर्मांतरण हो जाएंगे। धर्म का धर्मांतरण हो रहा है, बल पूर्वक हो रहा है और उसमें कांग्रेस पूरा करवा रहे, गाँव गाँव जाके गाँव के गाँव धर्मांतरण। रुक भिलाई में अंधाधुन गाय तस्करी होता है, हमारे लगभग यहाँ 100 से भी ज्यादा FIR तस्करी पकड़ चुके हैं। क्षेत्र में होता है खालबाड़ा के अंदर, मैं एरिया का नाम भी आपको बता दूं, खालबाड़ा गुड़ियारी का जाना माना क्षेत्र है। वहाँ पर पुलिस महज 500 मीटर की दूरी है, लेकिन वहाँ पर आए दिन शराब की तस्करी प्लस गांव तस्करी होती है। संलिप्त है देवेंद्र यादव जी, संलिप्त है और अपना क्या बोलते है तामदास साहू जी संलिप्त है, तभी तो हो रहा है ना। काका बजरंगियों को गुंडा बोलते हैं, सच बोलने पर गुंडा बोलते हैं। हमारे काका कांग्रेस और महागठबंधन ये दोनों ऐसा करके रखे छत्तीसगढ़ को, जीना मोहाल है। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप PLC न्यूज और फिर से एक बार धर्मांतरण के मुद्दे पर यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं बजरंग दल के, उन लोग फिर से कोई जानकारी देना चाह रहे हैं। जी बताएंगे, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम विष्णु प्रसाद ताम्रकार है, मैं लक्ष्य सनातन संगम का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। क्या मुद्दा? मुद्दा गंभीर है, धर्मांतरण है। जैसे कि आप सभी को जानकारी है और पता है कि भारत देश के और खासकर छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में पास्टरों की नियुक्ति की गई है। ये ऐसे लोग हैं जो लालच, दलिद्रता, छल, कपट के कारण हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को धर्मांतरण का कार्य आप ऐसे कह सकते कि 90 विधानसभा क्षेत्र में पास्टर यहाँ उनको नियुक्ति। हाँ, जहाँ जाते हैं कि आप कौन है क्या है, जब आप गंभीरता से आप कीजिए मेरी बात में, आप भरोसा मत कीजिए, सर्वे कीजिए। हर गांव में एक पास्टर की नियुक्ति की गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो चाहते हैं सरकार को इस मंच के माध्यम से आपके मीडिया के सामने कहना चाहते हैं, ये प्रश्न करते हैं और चेताते भी हैं कि आप इस गंभीर होकर जानकारी लीजिए कि ये जो नियुक्तियां कहां से की जा रही है, कौन कर रहा है और इस सारे कार्य का संचालनकर्ता कौन है, ये जांच का विषय है। मैं मुख्य बिंदु पे आना चाहूँगा, मुख्य बात पर आना चाहूँगा। जब भारत देश को आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस गांव-गांव जब घूमते थे, विश्व के अलग अलग देशों में अपनी जब भूमिका तय की और टीम तैयार की, टीम तैयार करने के बाद हमारी भोली भाली जनता को ये नहीं पता है कि ये हम भारत देश को कितनी मशक्कत और मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद भारत देश को आज़ादी मिली है। इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लहर हुई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा लगा, तब भारत देश को आज़ाद किया गया। तब लोग अपने घर से जेवरात, गहना, यहाँ तक अपने बच्चों को देश के प्रति कुर्बान करने के लिए लाते थे। आज दुर्भाग्य की बात है, निज स्वार्थ के कारण लोग जो परिस्थितियाँ लोभवश जो धर्मांतरित करा रहे हैं, यह दुर्भाग्यवश बात है क्योंकि धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता जा रहा है। धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण हो रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी आप कहाँ से हैं और आपका परिचय क्या? जी मैं रायपुर से आया हूँ, हम छत्तीसगढ़ हिंदू महासभा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक साहू जी हैं। जी क्या मुद्दा लेके आए हैं? मुद्दा तो देखो ऐसा है कि ये देश का मुद्दा नहीं, ये पूरा छत्तीसगढ़ का मुद्दा ही नहीं, पूरा दुर्ग जिला का मुद्दा नहीं, ये पूरा देश भर का मुद्दा है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पे शासन प्रशासन को भी सख्त होना चाहिए और जो भी ये गतिविधि हो रही धर्मांतरण का उसको रोकथाम करना चाहिए। धर्मांतरण का विरोध सब कोई करता है, लेकिन धर्मांतरण आखिर हो क्यों रहा है, किसके माध्यम से कराया जा रहा है, कौन लोग है आखिर इसमें? तो मैं सीधा एक ही लाइन पे एक शब्द में बोलूंगा कि जो हिंदू विरोधी तत्व है वही इसको धर्मांतरण करवाते हैं। हिंदू ही हिंदू के विरोधी? नहीं, हिंदू विरोधी में बहुत सारे लोग आते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे बीच के हिंदू है वो क्या हिंदू विरोधी नहीं होंगे। आज जो भी हिंदू विरोधी वही पास्टर बन रहे हैं, वही धर्मांतरण करवा रहे हैं। आप अगर कहीं भी जाएंगे धर्मांतरण के मुद्दे में तो आपको हिंदू चेहरा बिल्कुल दिखेगा, हिंदू नाम बिल्कुल दिखेगा पास्टर के नाम से, लेकिन कोई फर्नैडिस, कोई आपका और भी अंग्रेजी नाम का पास्टर हमको बहुत कम देखने को मिलता है। ये सारे हिंदुओं को आगे किया जाता है और तो आपके जो हिंदू जो वादी लोग हैं, जो समाज के हिंदू समाज के लोग हैं, आखिर उन लोग धर्मांतरित होते क्यों हैं, ये मूल वजह है? मूल वजह देखो, अब जो थोड़े से होते हैं, जो निचले स्तर के होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर, जिनकी स्थिति अच्छी रहती वो भी तो दिख रहे हैं। अब मैं अगर इस मुद्दे में बात करूँ तो ये बहुत ही एक पाखंड वाली मुद्दा है, क्योंकि जो ईसाई मिशनरी हैं
वो कुछ नहीं है इनकी। अगर वो बोलते हैं कि हम मरे को जिंदा कर लेते हैं तो मैं बोलता हूँ मरे को जिंदा करके दिखा दो, हम जितने यहाँ पे आए हम बिल्कुल धर्मांतरण हो जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ये जिस तरह से ये जो धर्मांतरण करने का जो कार्य करे, जो इनकी प्रतिस्पर्धा चल रही है पूरे भारत देश के अंदर, की एक चाहता है कि ईसाइत की देश बने, एक चाहता है मुस्लिम राष्ट्र बने, तो ये दोनों की प्रतिस्पर्धा चल रही है भारत देश के अंदर, ये बंद कर ले क्योंकि ये हिंदुओं का देश है और हिंदू जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। अभी तो हम कलेक्टर को ज्ञापन दिए, आगे अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम अपने शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञान रखते हैं। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? मेरा नाम जी अशोक कुमार है। जिस हिसाब से हिंदू धर्म का धर्मांतरण हो रहा है, बलपूर्वक हो रहा है, और उसमें कांग्रेस पूरा करवा रहे, गांव गांव जाके गांव के गांव धर्मांतरित करवा दे रहे। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा करवा तो वही रहे मैडम, बीजेपी के समय में भी तो धर्मांतरण नहीं होता, उतना नहीं होता था, होता था लेकिन इतना भी नहीं होता था। ये लोग बिंदास कर रहे हैं भाई समर्थन, और अगर हमारे एक हाथ में अगर माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी है। यहाँ धर्मांतरण अंधाधुन हो रहा है, छोटे छोटे जो गरीबी स्थिति परिवार फैमिली को वो लोग जान बूझ के लोग ईसाई धर्म में पैसा का लालच दे के कर रहे, बिल्कुल सही है, और पशु पक्षी का हत्या करवाते अपने धर्मांतरण में। इस तरह यहाँ पे हिंदू धर्म को ये लोग बगड़ा के हर चीज में छत्तीसगढ़ भोले भाले जनता को परेशान कर रहा है। गौ सेवा के बारे में, गौ रक्षा के बारे में कुछ बोलना चाह रहे? यहाँ दुर्ग भिलाई में अंधाधुन गाय तस्करी होता है, हमारे लगभग यहाँ 100 से भी ज्यादा FIR तस्करी पकड़ चुके, जिसमें हम लोग को प्रशासन पुलिस प्रशासन दिया नहीं जाता, कोई सरकारी सिस्टम है यहाँ नहीं है, सिर्फ गौ सेवा लोग लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर पकड़ते। किसके द्वारा ये मतलब गौ तस्करी किया जाता है? यहाँ महाराष्ट्र के जितना मुसलमान है यहाँ छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करते, पालने के नाम पे जंगल में ले जाते हैं, फिर वहाँ कंटेनर में लोड करके कदला खाना पहुँचाया जाता है डेली। यहाँ जैसे पथर्रा गांव में यहाँ का नेटवर्क चलता है, कोई हर कोई जानता है, कलेक्टर में हम लोग बहुत बार शिकायत भी कर लिए, और यहाँ उतई का जो बसवा बाजार चलाने वाला नेटवर्क चलाता है गाय तस्करी का, वो पुलिस प्रशासन भी जानता है, फिर भी इस चीज़ में लगाम लगाता ही नहीं। ऐसा क्यों? प्रशासन गौ मैटर में जो इतना गौ गोबर का इतना मुद्दा उठा रहा है ना, इससे ज़्यादा तस्करी हो रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में 7 लाख गौ माता था, अब बचा है 2.5 लाख, मतलब बाकी जो है वो कट गई है बाकी का। आप गौठान में जाइए देखिए जहाँ एक भी गौ माता का हाल कैसा रहता है, शिकायत करने के बाद प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे, चारा पानी का व्यवस्था नहीं। जो कलेक्टर है गौ दुर्घटना गौ वंश के लिए नंबर डायल करो, सेवा मिलेगा। अभी नन कटिम 2 गौ वंश है, कोई सेवा नहीं दे रहा है। मतलब कटिंग कहाँ हो रहा है? कटिंग यहाँ कटिंग होता है महाराष्ट्र से लोड होकर आंध्रा जाता है, कर्नाटक जाता है। नहीं नहीं, जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ पर गौ तस्करी हो रहा है। हाँ। और कटिंग भी यहाँ होता है कुछ स्थान का नाम? छत्तीसगढ़ में बहुत कम कटिंग होता है, जो अंदर वो यहाँ से गैया को चराते हुए कटिंग होता है। कहाँ होता है कटिंग? हमारे रायपुर, मैं पर्सनल रायपुर से हूँ, मैं गुड़ियारी से हूँ, प्रखंड विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ मैं। कहाँ होता है ये? अपने गुड़ियारी परिक्षेत्र में होता है, खालबाड़ा के अंदर। मैं एरिया का नाम भी आपको बता दूँ, खालबाड़ा गुड़ियारी का जाना माना क्षेत्र है। वहाँ पर पुलिस मज 500 मीटर की दूरी है, लेकिन वहाँ पर आए दिन शराब की तस्करी प्लस गौ तस्करी होती है। ये मैं खुल के बोल रहा हूँ कि गौ तस्करी वहाँ पर होती है। वहाँ का स्थान जो अपन पार्षद बोलते हैं, पार्षद वहाँ पर डे आता है, भ्रमण करता है, उसको भी इस बात की जानकारी है। वहाँ के विधायक, जो हमारे विधायक क्षेत्रीय विधायक विकास उपाध्याय जी हैं, उनको भी इस बात की पूरी जानकारी है। कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? कोई एक्शन नहीं लेता क्योंकि हो सकता है एक्शन लेने नहीं देते हैं। हो सकता है कि उनको कुछ घर बैठे मिल जाए, ये भी होता। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विधायक इस कृत में संलिप्त है? हाँ। मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं उसके घर में पर्सनली नहीं जाके देख रहा हूँ कि वो कृत में शामिल है या नहीं है। मैं किसी पार्टी विशेष को नाम नहीं, आप बोले ना विधायक को जानकारी है, तो विधायक जानकारी है मैडम संलिप्त। देखिए भूपेश बघेल काका संलिप्त है, देवेंद्र यादव जी संलिप्त है, और अपना क्या बोलते तामदास साहू जी संलिप्त है, तभी तो हो रहा है ना, अन्यथा नहीं हो सकता। देखिए अपना परिचय क्या बताए थे आप, कहाँ से? अशोक कुमार जी। मैं अशोक कैंप 1 आदर्श नगर नियर दुर्गा किराना स्टोर। मैं आगे आ रहा हूँ कि जैसे वहाँ की पार्षद किसी भी पार्टी को लेना देना नहीं है, वो फिलहाल MIC सदस्य हो सकता है, कांग्रेस हो सकता है। को गुंडा बोलते हैं, सच बोलने पर गुंडा बोलते हैं। हमारे काका पर डे होता है, कांग्रेस और महागठबंधन ये दोनों ऐसा करके रखे छत्तीसगढ़ को जीना मोहाल है। मेरा नाम लोकुश कुमार गुप्ता है, मैं प्रखंड विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कार्यकारिणी
गुढ़ियारी मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अभी आप गौ तस्करी पर खुल के चर्चा हो रही है और लगातार गौ तस्करी कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या वाकई में गौ तस्करी जो हो रहा है उसको रोक सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो गौ सेवक लोग हैं।